are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। चाइनीज पुलिस ने स्टार्कनेट एयरड्रॉप आइडेंटिफायर फॉर्जर्स को कैप्चर किया रिपोर्ट। टेथर ने ब्लैक रॉक न्यूरोटेक में $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। ईवो डिविजन्स लॉन्च किया। इंडियन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑनलाइन गेमिंग ऐप से लिंक्ड $10 मिलियन क्रिप्टोज को सीज किया। वाइटलिक ब्यूट्री ने बाइनेंस को जीरो नॉलेज प्रूफ को स्पीड अप करने के लिए समझाया। नाइजीरिया ने KYC वेडिंग क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को रोकने के लिए फिनटेक ऑन बोर्डिंग को रिस्ट्रिक्ट किया। अर्कनसास हाउस कमेटी ने क्रिप्टो माइनिंग रेगुलेशन पर बिल्स को क्लियर किया। फैंटम ने सेफर मीम कॉइन्स के आइडिया पर बेट लगाया। $6.5 मिलियन स्टेफ फंड को लॉन्च के साथ वर्टेक्स ने बायबैक के स्टेक प्रोग्राम्स का अनाउंसमेंट किया और मोर रिजर्व्स। रियल वर्ल्ड एसेट्स ने $8 बिलियन लॉक के साथ न्यू पीक हिट किया। मिजारी की रिपोर्ट्स। अजुकी NFT सेल्स ने एक दिन में $1.1 मिलियन से ज्यादा सोल्ड हुई। बॉन्क ने फ्लोकी इनो के सरपास किया और फिफ्थ लार्जेस्ट मीम कॉइन बना। कॉइनबेस ने लाइटनिंग नेटवर्क को कंप्लीट इंटीग्रेशन के साथ बिटकॉइन ट्रांजेक्शन स्पीड्स को इंक्रीज किया। चाइनीज अथॉरिटीज ने एक पर्सन को कैप्चर किया है जो स्टार्कनेट एयरड्रॉप से रिलेटेड आइडेंटिफाई फॉर्जरी का सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट ने दूसरे लोगों की आइडेंटिटीज अज्यूम की है और 40 से ज्यादा फॉल्स अर्ली कम्युनिटी मेंबर प्रोग्राम एयरड्रॉप फॉर्म सबमिट किए, जिनमें उसने 40,000 STR के टोकन क्लेम किए हैं, पहले विक्टिम्स के थे। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन USDT के पीछे का जाइंट टेथर ने ब्रेन इंटरफेस कंपनी ब्लैक रॉक न्यूरोटेक में $200 मिलियन का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। ये इन्वेस्टमेंट ईवो कंपनी ने एक नया बिजनेस डिवीजन भी लॉन्च करता है जो टेक और ह्यूमन पोटेंशियल को मर्ज करने वाले इनिशिएटिव्स में इन्वेस्टमेंट्स को एग्जामिन करेगा। इंडिया की डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने एक मेजर क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग केस को सीज किया है जो गेमिंग ऐप से कनेक्टेड है। अथॉरिटी ने 90 करोड़ रुपीज के वर्थ के फ्रोजन क्रिप्टो एसेट्स भी सीज किए हैं जो स्कैम से कनेक्टेड हैं। डिपार्टमेंट की ट्यूजडे को रिलीज की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक फ्रोजन क्रिप्टो 70 अकाउंट्स में रखे गए थे जो मेजर क्रिप्टो वॉलेट्स बाइनेंस, ज़ेप पे और वाजिर एक्स से लिंक थे। इथेरियम को फाउंडर्स वाइटलिक ब्यूट्रिन ने नए क्रिप्टोग्राफिक प्रूविंग सिस्टम्स पर चर्चा की है जो जीरो नॉलेज प्रूफ्स के लिए ग्रेटर एफिशिएंसी अचीव करना चाहता है। April 29 को एक ब्लॉग पोस्ट में ब्यूट्रिन ने बाइनेंस कहते हुए एक सिस्टम एक्सप्लेन किया जो हाईली एफिशिएंट क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ्स ओवर बाइनरी फील्ड्स डिलीवर करता है और ट्रेडिशनल प्रूफ सिस्टम्स जैसे ZK, SNARKs, S से सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस गेन देता है। नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया ने 4 फिनटेक कंपनीज को नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने से रोकने के लिए डायरेक्टेड किया है। एमिड नाइजीरिया के ऑनगोइंग एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन नो योर कस्टमर कंप्लायंस इन क्रिप्टो और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में। अर्कनसास स्टेट में क्रिप्टो माइनिंग रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने में अब सिर्फ एक स्टेप दूर है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्यूजडे को स्टेट कैपिटल में अर्कनसास में क्रिप्टो माइनिंग को गवर्न करने वाले लॉज को टाइटन करने के लिए इंटेंडेंट 2 प्रपोजल्स कंफर्टेबली एक हाउस कमेटी के पास हुई। लेयर 1 ब्लॉकचेन फैंटम ने सेफर मीम कॉइंस का आइडिया पुश कर रहा है, सेटिंग असाइड $6.5 मिलियन वर्थ ऑफ इट्स नेटिव FTM टोकन एज अ रिवॉर्ड ऑफ डेट्स, क्योंकि ये लगभग $50 बिलियन का सेक्टर एक स्लाइस पाने की कोशिश कर रहा है। आर्बिट्रम्स पर ऑपरेट करने वाले डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्रोटोकॉल वर्टेक्स ने हाल ही में एक एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है। प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक ये बायबैक एंड स्टेट प्रोग्राम अनवील कर रहा है जिसमें अपने रिजर्व्ड प्रोटोकॉल्स रेवेन्यू का एक पार्ट डिप्लॉय करेगा थ्रू प्रोटोकॉल ट्रेजरी। अपने एक्स अकाउंट पर प्लेटफॉर्म्स ने इस नए प्रोजेक्ट के लॉन्च को डिस्क्लोजर किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज़। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।